नमस्कार, मैं नवीन, देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ने कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको यूनिट टू का चैप्टर टू। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये चल रहा है, इसमें जाति व्यवस्था चल रही है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का मैंने कल आपको बताया था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या क्या विशेषताएं होती है। आज मैं मैरिट्स ऑफ कास्ट, ये कुछ अलग ढंग का है, इसको आप समझें कि मैरिट्स ऑफ कास्ट क्या होता है। कास्ट व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था है, थी, रहेगी, तो यह भारत में ही पाया जाता है, ये आपको भी मैंने बताया है, और इसकी क्या मैरिट्स हैं ये मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, इसमें क्या है, सामाजिक सुरक्षा है। तो सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार की, आप जब सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रोजगार, जो एक समाज, जो किसी एक जाति का अगर वो समाज है तो उसमें अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार देने की प्रभाव रहता है कि नहीं चलो मेरे कास्ट का लोग है, इसको हम अपने अंदर रोजगार दें, है ना। उसके बाद है आवास, आप चले जाइए एक जाति का मकान है और एक जाति को जरूरत है तो आपको सबसे पहले ये आपको मिलेगा, ये सुरक्षा है। इस प्रकार क्या है, विवाह, आप एक जाति के लोग एक ही जाति में विवाह करते हैं तो वो भी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि हाँ विवाह का भी मान लेते हैं किसी की बच्ची बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, विवाह नहीं हो रहा तो उसको लोग अपने बिरादरी के लोग से ढूंढते कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करा देते हैं, ऐसा ये गुण है। इसके बाद क्या है, सहयोग की भावना है, सहयोग भी प्रबल भावना रहती है जाति में, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों की मदद करना, किसी को अगर ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को उसके ज़रूरतों के हिसाब से उसको धनराशि नहीं तो अनाज जिस प्रकार से भी हो उसको सहयोग किया जाता है। उसके बाद है जजमानी प्रथा द्वारा निर्भरता, पारंपरिक ग्रामीण समाज में जैसा कि पहले का समाज था तो उसमें क्या था कि जजमानी प्रथा द्वारा निर्भर, एक जाति पर कई जातियां निर्भर रहती थी, है ना। तो इस तरह से क्या होता था कि वो जजमानी प्रथा किसी काम के बदले सेवा, मतलब सेवा के बदले उसको मेवा जैसा कह सकते हैं कि आप काम करिए मेरे यहाँ, सेवा करिए और आपको उसके बदले कुछ मिलेगा, ये जजमानी प्रथा था, तो पारंपरिक गांव में ऐसा चल रहा था। उसके बाद है आर्थिक व्यवसाय का निर्धारण, हर जातियों का एक व्यवसाय का निर्धारण कर दिया जाता है, उनको लगता है कि ये दैवीय रूप से हमको मिला हुआ है और लोग करते हैं, असहजता महसूस नहीं करते हैं, सहज रूप से इसको करने में लगे हुए रहते हैं। और उसके बाद क्या है, अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, एक जाति के लोग एक ही जाति में विवाह करते हैं, जो जाति बहिर्विवाह नहीं होता है, गोत्र बहिर्विवाह होता है, जातीय अंतरजातीय विवाह होता है, एक जाति के लोग एक ही जाति में विवाह करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रजातीय शुद्धता बनी रहती है, मतलब वो उस प्रजाति के लोगों की शुद्धता जो है वो बनी रहती है, उसका ये नहीं होता है नीचे नहीं जाता है उसका स्तर, वो बना हुआ रहता है। उसके बाद क्या है कि वर्ग चेतना का विकास, क्लास कंसियसनेस, एक वर्ग के लोग एक जाति के लोग क्या करते हैं, अपने ही जाति लोगों को एक समूह में बना सकते हैं, उसमें वो चेतना ला सकते हैं, उसके चेतना का विकास कर सकते हैं, एक विचार को अपने जातियों में दौड़ा सकते हैं कि नहीं चलो इस विचार पर लेके हमको चलना है, इस आइडियोलॉजी को वो बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, एक जाति के लोग ये मान के चलते हैं कि हमको ये करना है, इसकी पूजा करना है, इसको लेके चलना है, तो इस तरह का विश्वास उसमें पैदा होता है। तो ये सब कई प्रकार की जो जाति की मेरिट्स हैं, इसको आप लिखें, समझें, बातों को ध्यान से पढ़ें और फिर लिखने का प्रयास करें, और हाँ लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।